नमस्कार, हमारे साथ हैं संजय अग्रवाल जी। आइए जानते हैं कि आखिर उनके इंस्टीट्यूशन में क्या कुछ विशेष हो रहा है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके इंस्टीट्यूशन का नाम। मेरे इंस्टीट्यूशन का नाम है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन। जी जी, हम एक दिल्ली बेस्ड कॉलेज हैं जी, और हमारे पूरे भारत में करीब 40 ब्रांचेस हैं। बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, सब सिटीज़ में हमारी ब्रांचेस हैं। तो हम फोकस करते हैं डिज़ाइन एजुकेशन पे। जब हम डिज़ाइन एजुकेशन बोलते हैं तो मतलब जैसे आपने सारे विधा में, हाँ जी, बेसिकली जैसे निफ्ट काम करता है, NIT अहमदाबाद काम करता है, तो बेसिकली हमारा सिमिलर पैटर्न पे हमारा कॉलेज है। एंड स्पेशलाइज्ड एरियाज है हमारे फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ग्राफिक्स और एनिमेशन। तो हम बेसिकली जो वोकेशनल ट्रेनिंग है जिसके ऊपर मोदी जी भी बहुत जोर दे रहे हैं, जिसमें जिसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, तो हम उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें कि वो ग्रेजुएशन के बाद ही खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपनी सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। सो दैट इज़ द टारगेट बेसिकली। खासकर डिज़ाइन में आपने कहा काफ़ी अच्छा काम है और काफ़ी मांग भी है, काफ़ी नए लड़के भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें प्लेसमेंट में दिक्कत है, लोगों को नौकरी में दिक्कत है, ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि जब हम नौकरी की बात करते हैं तो समय बदल रहा है और हमें अपनी सोच को या अपनी दिशा को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि हर स्टूडेंट में एक एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है जिसको हमें बढ़ावा देना है, जिसको हमें उजागर करना है। तो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन में जो एक USP आप समझ लीजिए वो यही है कि हम जब बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, हम उसको ये नहीं समझाते या ये नहीं सिखाते कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद एक 9 से 5 की नौकरी करनी है। हम उसको इसके लिए तैयार करते हैं कि आप एक फील्ड में मास्टरी हासिल कर रहे हैं और उस फील्ड में आगे आपको अपना नाम बनाना है, अपना काम करना है। तो और बाय गॉड्स ग्रेस हम इसमें काफ़ी कामयाब भी हुए कि हमारे बच्चे आज अपने लेबल्स चला रहे हैं, अपने ब्रांड्स चला रहे हैं, अपने स्टोर्स चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और अपनी जो दिशा है उसको थोड़ा और फोकस्ड करने की ज़रूरत है इस दिशा में कि अगर आपके पास कोई हुनर है या कोई टैलेंट है तो आप उससे बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, ना कि खाली एक 9 से 5। खासकर क्या भारत का डिज़ाइन किया हुआ इंटरनेशनल में उसको मानदंड मिलता बहुत, है बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम भारत जो है वो वर्ल्ड मैप पे एक बहुत प्रोमिनेंट पोजिशन होल्ड करता है। और जो हमारा क्या कहते हैं जिस जो भारत का एक जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको पूरी दुनिया ने पहचान लिया। और साथ में जो स्पेशली अगर मैं फैशन में बात करूं तो जो भारत का सिल्क है या जो भारत का कॉटन है या जो भारत के अलग अलग तरह के टेक्सटाइल्स हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग है, उसकी पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है और लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो हमारी हेरिटेज ज्वेलरी है या हमारे जो एंटीक डिज़ाइंस हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है भारत में। तो मुझे लगता है कि अब जो आने वाले 20 साल या 40 साल हैं वो भारत के हैं और आगे बहुत बड़े ग्रोथ के चांसेस हैं भारत में पढ़ने वाले बच्चों को, लेकिन सिर्फ उनको एक नई सही दिशा दिखाने की जरूरत है। मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं आप कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि आप एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्योंकि ना हम अपने आप को एक डेवलपिंग नेशन बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो डेवलपिंग नेशन का मतलब ये हुआ कि हम तैयार हो रहे हैं आगे आने वाले कल के लिए और हम बहुत मजबूती से तैयार हो रहे हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ कहने के लिए तैयार हो रहे हैं, बट अंदर से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, जो एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, जो वो अपने आसपास देख रहे हैं, तो ये सब ग्रोथ के ही एक तरह से पैरामीटर्स हैं। जी, और आई एम वेरी श्योर कि आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल है और बहुत बहुत बड़ा है सबके। नेशनल एजुकेशन डे पर आप क्या कहेंगे? नेशनल एजुकेशन डे पर मैं यही कहूँगा कि हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को जो वो कॉलेज जाता है, जो भी फील्ड वो चूज़ करे, उसमें खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़े बट एक्सेल करने के लिए पढ़े और कुछ कुछ बड़ा करने के लिए पढ़े उसको। क्योंकि हर बच्चा अगर ये सोच के ग्रेजुएशन करता है कि मुझे सिर्फ एक 10,000 या 20,000 या 40,000 की नौकरी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसकी सोच बहुत सीमित रह जाएगी। तो उसको ये सोच के पढ़ाई करनी चाहिए कि मुझे इस फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है और इस फील्ड में मुझे हुनर हासिल करना है ताकि मैं अपना और अपने देश का नाम आगे बढ़ा सकूं। CGR के बारे में क्या कहेंगे अंतिम प्रश्न? CGR एक बहुत ही मैं कहता हूँ अहम और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सारे एजुकेशन बॉडीज़ के लिए, और रवीश रोशन जी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके साथ पूरे दिल से और तन मन धन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा सिर्फ मोटिव साथ में जुड़ने का यही है, सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हम जो डायरेक्टर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो हम जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हैं ताकि हम
इसको एक पहचान दे सकें और हम इसके ऊपर कलेक्टिवली कुछ एफर्ट कर सकें ताकि हम सब एक दूसरे को हेल्प कर सकें ग्रोथ में। जी, जी. क्योंकि कई बार लोगों की ये सोच होती है कि हम किसी के साथ अपने जो चीज़ें हैं वो क्यों शेयर करें कि कंपटीशन है, बट मैं ऐसा मानता हूँ, पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतना ज़्यादा बड़े होते हैं और हम सब आपस में लाइक माइंडेड लोग जुड़े हैं अब और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, इसीलिए शायद हम काम कर रहे हैं साथ में मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे संजय अग्रवाल, जो बता रहे थे कि आज भारत के प्रोडक्ट को इंटरनेशनली पहचान मिलने लगा है और बहुत अच्छे तरीके से। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।